लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने के आने के बाद जहां पर कहीं जीत का माहौल है तो कहीं पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। इस वक्त गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर हमारे साथ हैं। बब्बर जी, बेहतरीन चुनाव रहा, दिलचस्प रहा। 2 बजे तक तो ये लगा कि राज बब्बर लीड पा रहे हैं और ये लीड जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन आखिर में राव इंद्रजीत सिंह ने वहाँ पर लीड हासिल की और जीत भी हासिल की। क्या मानते हैं, चिंतन मंथन जब हो रहा है, समीक्षा की जा रही है, कारण क्या मान रहे हैं? देखिए साहब, मैं थोड़ा डिफरेंट किस्म का आदमी हूँ। मैं ज़्यादा अपना वक्त जो चिंतन मंथन में नहीं गुजारता। मेरा काम करने का तरीका बहुत सीधा है। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों ने मुझे बहुत दिया। मैं अकेला आया था, मुझे मेरे परिवार को इन्होंने अपना बना लिया। 7.5 लाख परिवार, यानी 7,33,000 तो गिनती में आते हैं, इन परिवारों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी ताकत दी, इतनी ऊर्जा दी है कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा एक ऊर्जावान व्यक्ति की तरह मेरी ताकत बढ़ गई है। अब मेवात की बात करें, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, पिछली बार के अनुसार इस बार वोटिंग प्रतिशत कम रहा। अगर वहाँ से बढ़ सकता था तो कहीं ना कहीं राज बब्बर आज गुरुग्राम के सांसद होते। नहीं, मैं देखिए, क्या होता क्या नहीं होता, अब क्या होना है मैं उसकी सोचता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि बेहतरीन प्रदर्शन रहा पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन का, हालांकि एनडीए ने बहुमत हासिल जरूर कर लिया है, लेकिन यूपी की खासकर बात करें तो यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन रहा। आप प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लंबे समय तक यूपी की राजनीति की है आपने, क्या कहना चाहेंगे यूपी को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं बार बार कह रहा था कि एक बदलाव की बयार चल रही है और वो उसके लिए उन्होंने, उत्तर प्रदेश ने ये दिखाया कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और उस प्रदेश के अंदर जो बयार है उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि सारे देश में उसका परिणाम आपको नज़र आ रहा है। और आज ये हालत होगी कि जो लोग 400 पार कहते थे वो अपनी गिनती में 60 पीछे हैं। गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए करण जयसिंह।